वर्ष 2020 में जम्मू कश्मीर के सोफिया में आतंकियों के खात्मे के लिए चले ऑपरेशन 16 घंटे लगातार चली गोलियां। मुठभेड़ के बाद औरंगाबाद दतेड़ी निवासी सेना के जाबाज जवान गौरव कुमार तोमर ने हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों समेत 5 आतंकियों को ढेर किया था। इसके चलते गौरव कुमार तोमर को सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। 15 अगस्त 2021 में उनके नाम की घोषणा की गई थी। गौरव कुमार तोमर ने बताया कि वर्ष 2020 जम्मू कश्मीर सोफिया में चले ऑपरेशन के दौरान आतंकियों को सिलेंडर करने के लिए कहा गया था, लेकिन जब उनके बाद भी उन्होंने फायरिंग जारी रखी तब मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा कमांडर समेत 2 आतंकी मार गिराए गए। मुजाहिदीन के 3 आतंकियों को ढेर किया। उन्होंने बताया उत्तर प्रदेश के 2 जवानों को भी सेना मेडल से पुरस्कृत किया गया है तथा शनिवार को कोलकाता में आयोजित सेना के कार्यक्रम के दौरान उन्हें सेना मेडल से नवाजा गया है। हमारे जो परिवार है बहुत बड़ा परिवार है, उसमें सभी ज़्यादातर फौज में ही हैं। मेरे चाचा जी भी हैं और भी हैं परिवार में फौजी, तो मुझे उनको देख के बहुत खुशी होती थी, तो मैं उन्हीं से ही प्रेरित होके सेना में जाने का मैंने निर्णय लिया था। सर, इसके पीछे आप किसको, इसका श्रेय किसको दोगे? इसका श्रेय तो अपने परिवार का ही जाता है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा श्रेय अपने चाचा जी जो पिंटू तोमर हैं वो हमारे, उन्हीं को ही देख के मैं भर्ती की मेरे अंदर भावना जगी और हमारी मम्मी ने हमेशा मेरा सपोर्ट करा है, मेरे भाई ने भी, सभी ने सपोर्ट किया, तो आज मैं इस मुकाम पे आया। आप सभी लोगों को क्या मतलब सूचना दोगे, भाई किस तरह क्या करना चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा अपने फौज में की भर्ती देखें, अच्छे मेहनत करें और एक अच्छा मुकाम हासिल करें। यही बस गांव वालों से, जो लड़के हैं मेरे साथ के, हमारे परिवार में जो बच्चे हैं, उनको यही बोलता हूँ कि अपनी तैयारी करो, मेहनत करो और एक अच्छे मुकाम को हासिल करो, फौज में भर्ती हो। वो जो सर आपने सर्च ऑपरेशन किया था, उसमें कितने लोग थे, वो कितने थे, किस तरीके से क्या हुआ था? हमको रात को 11 बजे खबर मिली थी कि 5 मिलिटेंट छुपे होने की खबर मिली, तो हमने सर्च अभियान चलाया वहाँ पे, हमने घेराबंदी करी इलाके की, तो उसमें 3 हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी और 2 लश्कर के, टोटल 5 आतंकवादी को हमने सिलेंडर के लिए बोला, लेकिन बाद में उन्होंने हमारे ऊपर फायर किया और हमने उनको मार गिराया। सर, ये कब की घटना थी? ये जून 2020 की घटना थी, 12 जून, और उसके चलते ही उसके बाद भी 2-3 ऑपरेशन और हुए जो कि लाइव इनकाउंटर हुए थे। सर, इस ऑपरेशन में आप कितने लोग थे वहाँ पर, उनके नाम बताएंगे आप? हम ऑपरेशन में हमारी ब्रावो कंपनी की 2 कैट थी, जिसमें टोटल 20 बंदे होते हैं, और फिर उसके बाद सब रिफोर्समेंट आ गया था, 30-40 बंदे हो जाते हैं इकट्ठे, और चारों तरफ से हमने घेराबंदी करके उनको दिन के 12-1 बजे तक हमने पूरों को 5 के 5 को ख़त्म कर दिया। सर, जैसे कि आज आपके गांव में यहाँ शिवाज, डॉक्टर मंजू शिवाज जो पूर्व विधायक थी, फिलहाल तो पूरी बोला जाएगा क्योंकि अभी इलेक्शन हुए हैं, जी गारंटी कुछ कैसे क्या होता है, जी जी, तो वे आई थी, आपको कैसा लगा सर गांव में जैसे मिलने? मुझे बहुत खुशी है कि एक विधायक जो मेरे क्षेत्र से हैं मंजू शिवाज जी, वो मेरे परिवार से मिलने के लिए आई, मुझे बहुत खुशी है इस बात की, और मेरे को सम्मान दिया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। सर, इंशाल्लाह कोई और भी आया था इस तरह सम्मान के लिए, या फर्स्ट टाइम शिवाज जी आए? अभी फर्स्ट टाइम शिवाज जी ही आई हैं, अभी तक तो कोई मेरे पास नहीं आया था, क्योंकि मैं भी 2-4 दिन पहले ही छुट्टी आया हूँ घर पर, इसीलिए अभी न्यूज़ में जो अपना इंडिया रिपब्लिक भारत के जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने को आज मैंने इंटरव्यू दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। ठीक है गौरव जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपके, न्यूज़ इंडिया वालों का, गौरव सिंह तेवतिया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी, आज आपका गाँव आना हुआ है, किस कारण से आना हुआ है यहाँ पे? देखिए, हमारे दतेड़ी गाँव के जो हमारे जवान हैं गौरव जी, उनको सेना मेडल दिया गया, ये बहुत ही बड़ा सम्मान है, गैलेंट्री अवार्ड है, तो जब मैंने अखबार में देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई, और मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या वो गांव में है, तो जब मुझे पता लगा वो गांव में है तो मैं आज उनसे मिलने आई,
ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के जवान जो हैं इतना फौजी इतना मेहनत करते हैं और उग्रवादियों से टक्कर लेते हैं। इन्होंने 5 उग्रवादियों से उस समय टक्कर ली थी, हालांकि इन्होंने 20 ऑपरेशंस करे हैं जो कि सफल रहे, और उस समय 5 वो बहुत ही हार्डकोर टाइप के उग्रवादी थे जिनसे इन्होंने टक्कर ली और उन्हें कब्जे में करा और मार गिराया, तो उसके लिए इनको जो है वीरता अवार्ड दिया गया। और इसके साथ ही साथ हमारा सबका, पूरे ग्रामवासियों का भी और मेरा विधायक होने के नाते बड़ा सम्मान बढ़ा है। मैं बिल्कुल सैल्यूट करती हूँ ऐसे सभी फौजियों को, और मैं चाहती हूँ अपने युवा बच्चों को भी बोला कि अधिक से अधिक लोग सेना में जाएं। आज सेना में बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों की ज़रूरत है, और जो राजपूत रेजिमेंट है उसका इतिहास हमेशा बहुत ब्राइट रहा है, और आज पुनः गौरव ने राजपूत रेजिमेंट का नाम बहुत ऊँचा करा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ जी। और सभी ग्रामीणों क्या संदेश दोगे आप? सभी ग्रामीणों को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को एक तो हम देश प्रेम की कहानियाँ सुनाएं, हम बच्चों को टॉम एंड जेरी और दुनिया भर की ऐसी ऐसी चीज़ें बताओ सिखाने लगे हैं, महाराणा प्रताप की कहानी सुनाएं, महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाएं, अपने हाँ जितने भी हमारे राजा हैं जो बहादुर हैं, शिवाजी महाराज हैं इनकी कहानियाँ सुनाएं, सूरजमल जी हैं, मतलब अच्छे अच्छे जो हमारे राजा हैं जिन्होंने बहादुरी के काम करे उनकी कहानियाँ सुनाएं, उनको उन कहानी सुना के बड़ा करें। साथ ही साथ जो स्कूलों में भी इन चीज़ों पर बहुत जोर दिया जाना चाहिए, और हमारे जो ग्राम प्रधान हैं उनसे भी मैंने कहा है कि जो हमारे ऐसे फौजी हैं उनको सम्मान दिया जाना चाहिए, और जो हमारे गाँव के फौजी हैं उनको जैसे हम कभी कभी गांव में करते हैं कि सबसे बुज़ुर्ग महिला और पुरुषों का जन्मदिन मनाते हैं बहुत सारे गांव में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने फौजियों को भी साथ में गांव में सम्मानित करना चाहिए, इससे बच्चों की फौज में जाने की इच्छा शक्ति बढ़ेगी। ठीक है बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।